तो अंकल दुकान वगैरह कुछ क्यों नहीं लगाते आप? नहीं, मतलब नहीं, ये यहाँ पे हम इसी में खुश है। इसी में खुश हो? अच्छा, मतलब यहाँ आराम मिलता होगा पूरा, आराम से पेड़ के नीचे बैठ के छाता लगा के। हमको जितना यहाँ प्यार मिलता कहीं नहीं मिलता। अच्छा, कहीं नहीं मिलता। अपने बहुत यम्मी है, ट्राई इट, स्ट्रीट स्टाइल है तो बहुत यम्मी है, यू विल लव इट। गाइस, ना ही है दुकान और ना ही है ठेला, बट अंकल जी बनाते हैं दिल्ली की सबसे मशहूर और जो टेस्टी है सबसे ज्यादा चाउमीन। तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं और मिलवाने वाले हैं हमारे अंकल जी से, जो बनाते हैं सबसे टेस्टी चाउमीन, वो भी डीयू के। यहाँ गाइस आ चुका है ऑयल, यहाँ आ चुकी है वेजिस, कैप्सिकम है जिसमें है अनियंस। तो अंकल कितने साल हो गए वैसे आप? 2011 से। तो अंकल दुकान वगैरह कुछ क्यों नहीं लगाते आप? मतलब ये यहाँ पे हम इसी में खुश है। इसी में खुश हो? अच्छा, मतलब यहाँ आराम मिलता होगा पूरा, आराम से पेड़ के नीचे बैठ के छाता लगा के। हमको जितना यहाँ प्यार मिलता कहीं नहीं मिलता। अच्छा, कहीं नहीं मिलता। अपने जैसे लगते हैं। अच्छा, है ना, अब यहाँ कई साल बिताया हमने। अच्छा, मतलब तो एक फैमिली सी बन चुकी है। ज्यादातर ख्वाहिश नहीं है कि हमने सब कुछ क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी चल रहा है उतने में हमें गुजारा कर रहे हैं। इतने में गुजारा कर रहे हैं, उसी में हम खुश है। उसी में खुश है, क्या हुआ अंकल जी? तो गाइस देख सकते हैं, एक तो अंकल जी की स्माइल आप देख सकते हैं, कितनी प्यारी स्माइल है, क्या बात है। तो परिवार में आप ही हैं या और लोग भी हैं? बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। गाइस यहाँ आ चुका है हमारा पास्ता और यहाँ आ चुके हैं हमारी चटनी। और ये किस चीज़ की चटनी अंकल जी? ये टमाटर पेस्ट है। टमाटर पेस्ट है, इसको बनाना पड़ता है उबाल के। क्या बात है। तो मतलब दो फेजेस में बनती है, पहले मतलब हमारा पास्ता तैयार किया जाता है, उसके बाद इसमें चाउमीन डाले जाते हैं। ये इसको तैयार करना होता है। अच्छा, पहले इसे तैयार करना होता है। अच्छा, नमक नमक डाल के मसाला डाल के सबसे पहले गाइस पास्ता तैयार करते हैं हमारे अंकल जी, उसके बाद इसमें चाउमीन डालते हैं। और यहाँ पे आ चुका है नमक और यहाँ आ चुके हैं नूडल्स। क्या हुआ? कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है? जहाँ बैठते हो वहाँ कितने बजे तक आते हो और कितने बजे जाते हो? 9-10 बजे आ जाते हैं शाम को, 5-6-7 बजे। अच्छा, 6-7 बजे, मतलब सुबह आते हो और शाम तक जाते हो, पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या हुआ, घर चलाने के लिए तो करना पड़ता है ना अंकल जी। तो अंकल जी अगर मान लो कोई आना चाहता है इन फ्यूचर, तो कहाँ पे आया एक बार आप एड्रेस बताएंगे? एड्रेस बताएंगे? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी 8 फकल्टी। अच्छा, 4 नंबर गेट भी मशहूर है, 4 नंबर के सामने। 4 नंबर गेट, 8 फकल्टी बोलते हैं इसको, थोड़ा बाहर है। यहाँ अंकल जी ने आपने एड्रेस बता दिया है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और अंकल जी का ये जो चाउमीन है ना टेस्ट करके देखिए, ठीक है। और यहाँ पे धीमी धीमी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इसका प्लेट का अपनी 50 रुपीज़ मतलब 50 में ये फुल है? 50 में फुल है, 30 में हाफ होता है, हाफ भी होता है। अच्छा, हाफ भी होती है और फुल भी होती है। तो गाइस 30 हाफ है और 50 फुल है, और देख सकते हैं फुल में मतलब पूरी भर के और एट अ रीजनेबल प्राइस है, ठीक है। तो गाइस यहाँ हमारी नूडल्स है, ठीक है, वो प्रिपेयर हो चुकी है, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि दिस स्पाइसी एंड टेस्टी होने वाली। लेट्स ट्राई। गाइस स्ट्रीट स्टाइल है, रियली अमेजिंग। एक नंबर। यहाँ पे मैम है तो इनसे थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। माय सेल्फ नंदिनी, नूडल्स बहुत ही यम्मी है, ट्राई इट, स्ट्रीट स्टाइल है तो बहुत ही यम्मी है, यू विल लव इट। पूरा दिल्ली वाला टेस्ट है। दिल्ली वाला टेस्ट है, क्या बात है मैम आप। एंड स्नेहा दिस साइड, एंड यस सेम, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने तो पहली बार टेस्ट किया है, और वेरी चीप अफोर्डेबल और टेस्ट वर्थ है, मतलब यू शुड ट्राई इट, श्योर। माय सेल्फ सेरा, आई ट्राइड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये बहुत अच्छा है, इट्स डिलीशियस एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, एंड स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है। थैंक यू मैम।